लोग बोलते हैं प्रोडक्ट हमसे नहीं बिकता, हमसे प्रोडक्ट नहीं बिकता। हम बोलते हैं साहब प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता, अगर बिकता है तो आदमी का विश्वास बिकता है, विश्वास बिकता है सर। अगर आप किसी को हेल्थ कार्ड के बारे में बताएंगे और बोलेंगे ये हमारा हेल्थ कार्ड है, बहुत बढ़िया है, हमने भी खा के देखा, आप भी खा के देखिए, ठीक है, आपको भी ठीक लगेगा, क्या लेगा आपसे? क्या लेगा? अरे आप किसी के घर पे जाते हैं, पहले देखिए उसके घर में क्या सिचुएशन है, उसके घर में पता करिए आदमी की नीड क्या है। अगर आपको लगता है वहाँ कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको बताइए, अरे भैया आपको हेल्थ कार्ड के बारे में नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे गजब का मारा तेल है, लाखों लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहा है। अपनी माता जी को 3 महीने हेल्थ कार्ड खिला लेना, आपकी माता जी के शरीर के अंदर आपको परिवर्तन नजर आने लग जाएगा। अगर आपकी माता जी ठीक नहीं होती या परिवर्तन जब हम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, यस और नो? सर हमारा लॉयल्टी नहीं आ रहा है, तेल खत्म हो जाता है साहब, पड़ोस का दुकान से कौन देख रहा है, एक पैकेट लिया फिर आज इसी से काम चला लेते हैं। और अपलाइन में होते सर रॉयल्टी नहीं आ रहा, अपलाइन से गुजारी से जब टीम वाले बोले रॉयल्टी नहीं आ रहा तो पूछो साला तेल कौन सा खा रहा। आपको लगता है अपलाइन नहीं देख रही, कोई बात नहीं, पर ऊपर वाला देख रहा है साहब, ऊपर वाला आपको चेक करेगा, बार बार चेक करेगा, ठोक बजा के चेक करेगा। उसका हक बनता है, जब मटके का घड़ा भी लेने जाते हैं तो उसको 50 बार ठोक ठोक के चेक करते हैं। ऊपर वाला आपको लाखों करोड़ों रुपए देने वाला है, उसका हक बनता है आपको हजारों बार ठोक के चेक करने का, ठोक के चेक करने का। हमने भी लोगों को प्रोडक्ट खिलाना चालू किया और उसके बाद धीरे धीरे हमारी टीम बनने लग गई। हम लोगों को बताते हैं कि भैया ये देखो यहाँ पे आप हो, एक गोला आपके नीचे आएंगे, यहाँ पे दो लोग, दो गोला आगे नीचे गोला, ये गोला गोला गोला, फिर बाद में तू भी गोला मैं भी गोला। ये सुन लो, बताते हैं ऐसे ऐसे ट्री बना के दिखाते हैं, लोग समझते हैं, जुड़ते हैं। हमने ऐसे लोगों को बताया कि भैया आइए, जो काम पहले करते थे आज भी वही करना है, राशन पहले भी खाते थे अभी भी खाना है, बात पहले भी करते थे अभी भी करनी है, नेटवर्क पहले भी बनाते थे अभी भी बनाना है। बोला पहले कैसे नेटवर्क बनाते थे मैडम? तो बोला कि बेटा देखो ये आपके दादाजी हैं, दादाजी के 2 बच्चे हैं, आगे उनके 2 बच्चे हैं, आगे उनके 2 बच्चे हैं, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, देश की संख्या बढ़ती जा रही है। Yes or no? Yes or no? नेटवर्क पहले भी तो बनाते थे पर इस नेटवर्क से ज्यादा पैसा नहीं आता था, पर ये जो नेटवर्क है यहाँ गुजरात से भी पैसा आएगा, महाराष्ट्र से भी आएगा, यूपी से भी आएगा, बंगाल से भी आएगा, बिहार से भी आएगा, हर जगह से, पूरे इंडिया से पैसा आएगा। इसको लोग बोलते हैं कि मैडम हम इसमें नहीं जुड़ना चाहते, ये तो चीन का बिजनेस है मैडम, बोलते हैं फंसने फंसाने का काम है। जब कोई बोलता है मैडम फंसने फंसाने का, तो बोलते भैया फंसा तो तू पहले था, अब तो तू फंसेगा। लोग बोलते हैं मैडम ये चीन का बिजनेस है, हम बोलते हैं भैया जुड़ो या मत जुड़ो, अपने शब्दों को ठीक कर लो, ये चीन का बिजनेस नहीं साहब, पूरे हिंदुस्तान से जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पैसा आएगा साहब, ये तो चैन का बिजनेस है साहब, चैन का बिजनेस करना चाहिए ऐसा बिजनेस। टाटा बिरला अंबानी उन्होंने नेटवर्क बनाया था, जियो के मालिक ने, आज सब घर में फोन है, हेलो 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 सुबह से रात तक करते रहते हैं। ये तो नो, जियो के मालिक को पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा, पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, फोन पे बात करना हमारी मजबूरी है साहब, खाना खाना हमारी मजबूरी है, लोगों से बात करना हमारी मजबूरी है। हमने जियो के मालिक की सोच अपनानी है साहब, जियो जब जियो आया ना फ्री में बांटा गया, तू भी ले 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 तू भी ले, आप लीजिए आप लीजिए, अरे आप लीजिए, महिला है तो क्या हो गया, खाना बनाते बनाते रसोई में
ये सुनो, ये सुनो, ऐसा जीव आया कि लोगों का फोन के साथ नाम के बाद सरनेम की जगह ही जियो लग गया। मालिक ने भी पूछा, फील्ड में खड़े लोगों से, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? लोग बोले गजब का लगा, जियो का मालिक ने जियो ही जियो, क्या गजब की चीज दी है। जब लोग बोले मजा आ गया जियो, उसके बाद बोलते मजा आया, फिर बोले आया, अभी बोलता 137 का रिचार्ज करके मजा ले। Yes, yes, no? अरे अपन को भी यही करना है। अरे मेहमान पहले भी आते थे हमारे घर, अभी भी आते हैं, पहले भी उनको चाय पिलाते थे, अभी भी पिलाना है। अभी मेहमान आए बोले सर चाय पीजिए, फिर 15 मिनट बाद बोले एक सर एक कप और चाय पीजिए, फिर 15 मिनट बाद एक सर बोलेगा यार इतनी चाय पिला रहे, पीजिए पीजिए सर आपकी चाय, पीने से अपन को पैसा आता है। इनको भुजिया खिलाओ, नमकीन खिलाओ, सोन पापड़ी खिलाओ, आटा खिलाओ, दाल खिलाओ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, गजब का खाना पेट भर के खिलाओ। जब आदमी बोले हो पेट भर गया, मजा आ गया यार खाना का, पूछो अच्छा लगा, बोले कहा, पूछो जिंदगी भर खाना है, बोले कहा, पिकअप सेंटर दिखाओ, बोलो जा सलाद खरीद के पूरी जिंदगी खा। बोल सकते हैं आज ये आसानी की मुश्किल है, आसान है। मेहमान बुलाइए, खाना खिलाइए, जब बोले अच्छा लगे पिकअप सेंटर का दरवाजा दिखाइए। ये सुनो, तारीफ कर सकते हैं प्रोडक्ट की, तारीफ कर सकते हैं, हाथ आगे निकालिए, हाथ आगे निकालिए, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास अब टाइम नहीं है, सिर्फ आधा घंटा है, हाथ आगे निकालिए और एक साथ तारीफ करेंगे, क्या बोलेंगे, 1 2 3 क्या आरसीएम के प्रोडक्ट है, क्या आरसीएम के प्रोडक्ट है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइल करके, थोड़ी सी आंख मार के, आंख मार के बहने हंसने लग जाती है। चलो ऐसा कर लेते हैं, जब भी मेरी महिलाएं जब तारीफ करेंगी आंख मारने से पहले बोला वाह भैया क्या आरसीएम के प्रोडक्ट है, ऐसे कर ले तो हमारे भाई भी ऐसे ही करना कि वाह बहना फिर आना हमारा। तैयार, तैयार, क्योंकि हमारे कोठारी जी बोलते हैं तारीफ करोगे तो लोगों को नहीं समझ में आता, खाली एक आंख मार के ऐसे उंगली कर देना भागा भागा जाएगा। ये सुनो, हाथ आगे निकालो, हाथ आगे निकालो, 1 2 3 रेडी। पीछे वाली वाणी में उनके सोफा भी नहीं खाया आप लोग, स्टेज पे आके तो बहुत बोल रहे, बढ़िया बढ़िया, हाथ आगे निकालिए, भगवान इनको तथास्तु बोल देगा, नहीं निकालो, हाथ आगे निकालो, हाथ आगे, एक जो पीछे का हाथ उठना चाहिए, अभी एक हाथ उठवाए नहीं तो दोनों उठवाएंगे। रेडी, पीछे वाले गेट वाले भी तैयार, देखो बच्चा भी कर रहा, बच्चे को भी मालूम है मेरा भविष्य बनेगा,